संकल्प लें ये आज सब मिलके साथियों, रखेंगे लोकतंत्र की हम सभी आबरू, मजलूम की हमेशा हिमायत करेंगे हम। देश की 70वीं आजादी की सालगिरह आज मनाई जा रही है। इस देश को आजाद हुए आज पूरे 70 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ और आजादी बाकी है। मसलन भ्रष्टाचार, जातिवाद, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और ऐसे नेता जो अपनी नफरत भरी सोच से न सिर्फ समाज को बांटने की कोशिश करते हैं बल्कि इस देश को तोड़ना चाहते हैं, अभी उनसे आजादी लेना बाकी है। मेरे साथियों, आजादी से पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने दो चीजें करी। सबसे पहले वो इस देश का सोना लूटकर अपने साथ ले गए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आर्थिक रूप से खोखला हो गया, और दूसरा उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में एक ऐसी नफरत की दीवार खड़ी कर दी जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी ताकत होता कि दुनिया का कोई भी मुल्क हिंदुस्तान की तरफ नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। मेरे साथियों, जो नेता आज भेदभाव करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त हुकूमत अंग्रेजों की थी और अब वक्त वक्त पर कुछ राजनेता जब सत्ता में आते हैं तो ठीक उसी तरह लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं जिस तरह से अंग्रेज किया करते थे। हमें आज उन नेताओं से आजादी की जरूरत है। यह विडंबना है इस देश की कि जहां महाराष्ट्र के लातूर के अंदर लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, कई किलोमीटर जाकर वो पानी का इंतजाम करते हैं और तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता है, वो पानी पी पाते हैं। और उसी देश के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने टॉयलेट के अंदर फ्लश करते हैं और 5 लीटर पानी बहा देते हैं, जो पानी की बोतलें खरीद कर पीते हैं। तो ये भेदभाव इस देश के अंदर किसका फैलाया हुआ है? उन लोगों को पहचानने की जरूरत है, उनसे आजादी मांगने की जरूरत है। मेरे साथियों, बहुत से लोग इस देश के अंदर पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं और उनके पास अगर तालीम के साथ साथ तरबियत नहीं है तो उन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। आप देखते होंगे अक्सर टेलीविजन चैनल के ऊपर, न्यूज चैनल में, अखबार में कि जब कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो कई ऐसे युवकों को पुलिस पकड़ती है जो इंजीनियर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो बहुत काबिल डिग्रियां जिनके पास होती है। क्या वजह है? वो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में क्यों लिप्त हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास अच्छी सोच, अच्छी तबीयत नहीं है। आज हम लोगों को अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को अच्छी तबीयत देने की जरूरत है, अच्छी तालीम के साथ साथ। अगर हमें अच्छे बुरे का फर्क पता है तो हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे,
अगर हमें मालूम है कि किसी गरीब के साथ इंसाफ करना है तो हम उसके साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे। हम सब लोगों को आज इस 15 अगस्त के मौके पर यह अहद लेना है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हम इस देश के अंदर मोहब्बत बांटने का काम करेंगे। अगर कोई परेशान है तो उसके साथ खड़े होकर उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करेंगे। जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, उनका बहिष्कार करेंगे। और इस देश की राजनीति में अगर इस तरह के लोग आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से भी हम लोगों को आजादी मिलेगी और भ्रष्टाचारी नेताओं और अधिकारियों से भी हमें आजादी मिलेगी। मैं आप सब लोग यहां पर आए बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं और एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूं आपको 15 अगस्त के मौके पर। आप सब लोगों को दिल से मुबारकबाद। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।